पंजाब के फिरोजपुर में दुकानों को बंद कराने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि लॉकडाउन के बावजूद इलाके में कुछ दुकानें खोली गई थीं, जिसकी शिकायत पर पुलिस वहां कार्रवाई के लिए पहुंची। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपनी बात रख पाती, वहां हंगामा शुरू हो गया। मारपीट की नौबत आ गई। एक आदमी ने तो डंडे से हमले की भी कोशिश की। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां चीख पुकार मचने लगी। एक पुलिस वाले को तो भीड़ से बचकर भागते हुए भी देखा गया। आरोप है कि खींचतान के बीच कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर हमला भी किया। पुलिस वालों ने दुकान में घुसने की कोशिश की तो लोगों ने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। थोड़ी देर बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस के जाने के बाद माहौल अपने आप शांत हो गया। वार्निंग दे दी है कि दोबारा जे किसी ने दुकान खोल के आपका सामान बाहर कट के या बेचने की कोशिश की विदाउट पास, तो इन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एफडीआई के मामले पर केंद्र सरकार के लिए गए फैसले को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सही ठहराया है। चीन ने हाल ही में एफडीआई के नियमों में बदलाव का विरोध किया था, लेकिन अमिताभ कांत के मुताबिक अगर चीन भारत की धरती से निर्यात करता है तो उसका स्वागत किया जाएगा। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि एफडीआई पर लिए गए फैसले का मतलब ये नहीं है कि भारत पूरी तरह से विदेशी निवेश को रोक रहा है। We greatly welcome China's investment. Nowhere have we said that we are going to constrain China's investment. They have been a big player in India's startup story. They have greatly invested into India. We welcome them. It's just that we are saying that because of very distressed valuation at this particular point of time, some investments from neighboring countries need to go through a government approval route. America mein corona virus ki wajah se bahar nikalne par lagi rok ke khilaf wahan pradarshan shuru ho gaye. Corona ki wajah se puri duniya mein sabse kharab halat America ki hi. लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन बढ़ाए जाने पर वहां के लोग भड़क गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। टेक्सास में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। पोस्टरों और बैनरों के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उनकी आजादी छीनने का आरोप लगाया। ओहायो में भी लोग सड़कों पर उतरे और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ठप पड़े शहरों को दोबारा खोलने की मांग की। न्यूयॉर्क सिटी में तो लोगों की भीड़ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होटल के सामने इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। ट्रंप के इमरजेंसी लगाने के फैसले से नाराज लोगों ने वहां नकली शवों को रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोरोना से होने वाली मौतों के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी आज से 24 घंटे खुलने जा रही है। किसानों की मांग के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। आजादपुर की सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी है। लॉकडाउन की वजह से आजादपुर सब्जी मंडी में पिछले दिनों ऑड इवन लागू किया गया था, जिसके मुताबिक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जियां और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक फल बिकते थे। अब सुबह से 6 बजे से रात 10 बजे तक फल सब्जी बिका करेंगे, जबकि रात में दूसरे राज्यों से ट्रकों के जरिए सामान मंडी पहुंचेगा। हालांकि भीड़ को कम रखने के लिए अब भी कई नियमों का पालन करना होगा। लॉकडाउन के सख्त निर्देशों के बावजूद असम के डिब्रूगढ़ में रेलवे ने कुछ इंटरव्यू करवाए। ये इंटरव्यू रेलवे के एक अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी के लिए थे, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों लड़कों की भीड़ जुड़ गई। केवल 12 वार्ड बॉय भर्ती किए जाने थे, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए। अस्पताल में हर तरफ लड़कों की भीड़ दिखाई देने लगी। हल्की बारिश के बीच लोग छाते लेकर इंटरव्यू देने के लिए खड़े रहे। अस्पताल के गलियारे से लड़कों की लाइन शुरू हुई। जहां से लाइन शुरू हुई वहां लड़कों के बीच कुछ दूरी दिखी भी, लेकिन जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती गई दूरी कम होती चली गई। गलियारे से निकलकर अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर तक लाइन पहुंच गई। भीड़ इतनी ज्यादा जमा हो गई कि एक लाइन काफी नहीं पड़ी। जहां तक नजर गई वहां तक भीड़ दिखने लगी। लाइन में खड़े लड़कों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा और एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े दिखे।